99 टाइम फेल हुए थे एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया था। बट ही सेड, उन्होंने क्या कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 99 वे तरीके ढूंढे हैं, मतलब रास्ते ढूंढे हैं। होना इजी है, कंपटीशन कम लगेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जैसे बोल रही हूँ कि आजकल सफलता पाना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा भागो। अगर अपना गोल बनाया है, टारगेट बनाया है, उसको अचीव करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। सब बोलते हैं, सब ही बोलते हैं ये बात, और हम लोग नहीं फॉलो करते, फिर क्या हो जाते हैं? फेल। और जो फॉलो करता है, रिसोर्स बहुत है मार्केट में, उसको एक चीज को पकड़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, इजी है सब, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर पहले मन में सोच लिया कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। अगर सोचा है कि हो जाएगा, तो बंदा फिर काम भी वैसे ही करता है, ढूंढता है ना। जब भूख लगी होती है या प्यास लगी होती है, तो पानी ढूंढते हैं ना, जहां मर्जी पड़ा हो कि पानी पीना है, जल्दी जल्दी पानी। तो ऐसी होना चाहिए, ऐसी प्यास होनी चाहिए, ऐसी भूख होनी चाहिए। पहले टाइम में तो इतना रिसोर्स भी नहीं होता था, है ना, कितना अलग सिस्टम था। आजकल तो हर चीज अवेलेबल है, करना किसने है? हम लोगों ने। तभी क्या बोला कि सफलता आसान होगी आजकल, थोड़ा सा चलेंगे तो कंपटीशन भी कम लगेगा, पर डिसिप्लिन होके और प्रॉपर तरीके से। कोई बात नहीं, फेल हो गए तो, जिसने बल्ब बनाया है 99 टाइम उन्होंने क्या किया था, उस पर रिसर्च की थी, है ना। 99 टाइम फेल हुए थे वो, उन्होंने बोला कि मैंने 99 तजुर्बे सीखे हैं। अगर हम ऐसे फेलियर से डरते डरते हार मान गए, तो फिर जिंदगी से ही हार मान गए। हारना नहीं है लाइफ में, एक जिंदगी है, तो अच्छे से जीनी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।